नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिल्म स्टडी में। हम लोग की आज मैराथन की लास्ट यूनिट है जो हायर एजुकेशन, उसमें चर्चा करेंगे कि हायर एजुकेशन क्यों जरूरी है, हायर एजुकेशन क्यों किया जाता है और आपके सिलेबस में हायर एजुकेशन से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज है जो अपने इंडिया में संचालित हो रही हैं। प्राचीन यूनिवर्सिटीज को हम लोग देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ, तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ, तो किस तरह से ये आगे बढ़े और यहाँ पर कैसे काम चलता है, इनकी हम लोग बात करेंगे। और अपने भारत में रेगुलेटरी बॉडी क्या है जो हायर एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। इस यूनिट में बेसिकली यही है और आपका यूनिवर्सिटीज के बारे में है, प्राचीन भारत के बारे में है और आपकी जैसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली किस तरह आगे बढ़ी अंग्रेजों के जाने के बाद, अंग्रेजों के आने से पहले, उसमें हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 10 है। हायर एजुकेशन, ठीक है, पेपर वन, यूनिट नंबर 10। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में सारे यूनिट को कवर कर चुके हैं। आपका कम्युनिकेशन वाला भी हो गया है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड हो चुके हैं, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट हो चुका है। इसके बाद हम लोग अब इसमें आए हैं जो आपके थ्योरेटिकल जो यूनिट्स हैं, उसमें ये छठी यूनिट कहा जाए और आपके जो मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग वाले यूनिट है वो अलग है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। तो हायर एजुकेशन की हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग कोशिश ये करिएगा, जिनका एग्जाम 21 तारीख को है तो अब आप अपने आप को बहुत शांत रखें, कूल एंड काम रखें, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जिसका बाद में एग्जाम है उनके लिए अभी भी ये जो वीडियो हमने डाले हैं प्लेलिस्ट में, आप जाएंगे तो मिल जाएंगे आपको सारे रिवीजन वीडियो हैं, इसका बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में पहला ही टॉपिक है कि आखिर हायर एजुकेशन तो बहुत बड़ी आगे की बात है, तो एजुकेशन क्यों जरूरी है, मतलब एजुकेशन क्यों जरूरी है। आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं थोड़ा सा इतना तो आपको समझ है कि कुछ दिमाग के स्तर का, कुछ बौद्धिक स्तर का चर्चा जिसमें होता है वही एजुकेशन है। इसमें शारीरिक एजुकेशन बाद में होता है तो अलग बात है, बाकी ज्यादा काम बौद्धिक से संबंधित है, ठीक है। तो एजुकेशन क्यों जरूरी है, तो एजुकेशन जरूरी इसलिए है शिक्षार्थी मतलब लर्नर के मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और तार्किक विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एजुकेशन जरूरी है। मानसिक मस्तिष्क से रिलेटेड है, बौद्धिक ये भी मस्तिष्क से रिलेटेड, और मस्तिष्क में ही आपके तर्क करने की शक्ति होती है, लॉजिक करने की शक्ति होती है, इसलिए एजुकेशन जरूरी है। बाकी एजुकेशन बहुत जरूरी है, अभी हमारा काम इतना ही है, ठीक है। अब एजुकेशन क्यों जरूरी है, हायर एजुकेशन क्यों क्यों जरूरी है, हायर एजुकेशन क्यों जरूरी है। तो जब एजुकेशन हो जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा व्यक्ति, बौद्धिक विकास हो गया, सोशल तार्किक विकास हो जाएगा, फिर उसके बाद इंसान इस सोसाइटी में रहता है, उसका जीवन आगे बढ़ता है, तो उसको सोसाइटी से भी मतलब होता है, कल्चर से भी मतलब होता है, उसका नैतिकता से मतलब होता है, अध्यात्म से मतलब होता है। तो इन सब के विकास के लिए हायर एजुकेशन जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको केवल शिक्षा से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपको सोसाइटी में रहना है। तो उच्च शिक्षा क्यों जरूरी है, तो आपके इंसान के या फिर लर्नर के सोशल डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट माने मतलब सांस्कृतिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए और आपके आध्यात्मिक विकास के लिए हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर आगे आता है, एक व्यक्ति थे डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन ने ये कहा है कि शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है, उनका ये स्टेटमेंट कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने क्या कहा, तो उन्होंने यही कहा कि शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है, जो कार्य पहले समाज किया करते थे, परिवार किया करते थे, धार्मिक संस्था किया करते थे, अब ये शिक्षण संस्थानों में। तो यहाँ से देखिए आधुनिकता का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उन्होंने यही कह दिया कि शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है, जो काम पहले परिवार समाज
और धार्मिक संस्थान किया करते थे, अब किसका काम यह रह गया? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, मतलब अब शिक्षण संस्थानों का ये काम है। इसका मतलब उन्होंने अब यहाँ से डायरेक्टली स्कूल कॉलेजेस की बात कर दिया, पहले नहीं हुआ करते थे स्कूल कॉलेज। मतलब अगर देखा जाए एक दो स्कूल कॉलेज, वो भी अनौपचारिक रूप से, ठीक है। तो पहले परिवार में होता था, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल होते थे, वहां से शिक्षा मिलती थी। अब इन्होंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, और उन्होंने इनका सेंटेंस याद जरूर रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम आगे बात करें तो शिक्षा के स्तंभों की बात करें तो इसमें चार पिलर होते हैं मेनली, फोर पिलर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के चार पिलर होते हैं, स्तंभ होते हैं, कि क्यों जरूरी है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें चार पिलर हैं जो यूनेस्को द्वारा घोषित किए गए, चार ये हैं कि पहला लर्न टू डू, लर्निंग नहीं लर्निंग टू नो, मतलब अपने जानकारी के लिए आप इसको अर्जित करिए, नंबर एक। उसके बाद दूसरा लर्न टू डू, मतलब कुछ करने के लिए। फिर तीसरा लर्न टू बी, कुछ बनने के लिए। और चौथा लर्न टू लाइफ टूगेदर, मतलब साथ रहने के लिए शिक्षा आपके जरूरी हो गए है, ठीक है। तो चार पिलर आप लोगों ने देख लिया, यूनेस्को द्वारा ये बनाए गए हैं, ठीक है। फिर अगले हेडिंग पे और टॉपिक पे बात आते हैं। तो इसमें जैसे भारत में एजुकेशन सिस्टम मतलब किस तरह वर्ग में डिवाइड है, तो एजुकेशन इन इंडिया इसका वर्गीकरण इस तरह किया गया है, तीन चरणों में किया गया है। आपका एक प्राइमरी एजुकेशन होता है, सेकेंडरी एजुकेशन होता है, और आपका टर्शियरी एजुकेशन, मतलब प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राइमरी की अगर बात करें तो ये आपका पहली कक्षा से लेके पांचवी तक होता है, पांचवी तक नहीं कहे हम आठवीं तक कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दो कैटेगरी और डिवाइड है, लेकिन आपको पहले से लेके आठवीं तक ये प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो आपका नौवीं कक्षा से आपका बारहवीं कक्षा तक, और टर्शरी आपकी बात करें तो आपका बारहवीं कक्षा से लेके उसके बाद आपका जितने भी स्नातक स्नातकोत्तर पीएचडी जो भी करते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए पीजी में लिख देता। तो तीन स्तर पर भारत में एजुकेशन सिस्टम डिवाइड है, ठीक है। कभी आए प्राथमिक शिक्षा में कंफ्यूज नहीं होना है कि पांचवीं तक है, नहीं, आठवीं तक का प्राथमिक माना जाता है, ठीक है। ये भारत में शिक्षा के एजुकेशन का वर्गीकरण हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा किस तरह होती थी, प्राचीन शिक्षा किस तरह होती थी, उसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्राचीन शिक्षा का चर्चा किए बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो प्राचीन शिक्षा वैदिक काल मतलब 1000 बीसी से लगभग 600 बीसी के आसपास का वो टाइम हुआ करता था। उस समय क्या हुआ करते थे, सबसे ज्यादा गुरुकुल पद्धति प्रचलन में थी। गुरुकुल पद्धति में क्या होता था, गुरु होते थे, शिष्य वहीं रहा करते थे, वहीं रहकर जाकर वनों में आश्रम में वो शिक्षा ग्रहण करते थे, वहीं वो भिक्षाटन भी करते थे, गुरु की सेवा करते थे, खेती करते थे, और उनके गुरु भक्ति हम लोगों ने पांचवी में एक चैप्टर पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा किस तरह गुरुकुल सिस्टम होता है, उसमें इस तरह के गुरु और शिष्य हुआ करते थे कि एक दूसरे का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। तो गुरुकुल पद्धति हुआ करते थे, चार मेन वेदों पे सारी शिक्षा आधारित थी। उस समय चार वेद हमारे हुए, कौन कौन से वेद हुए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। इसमें क्या क्या वर्णन है, तो इसमें जैसे ऋग्वेद हुआ, इसमें मंत्र है, सामवेद हुआ, इसमें म्यूजिक या फिर संगीत से रिलेटेड है, आपका यजुर्वेद है वो यज्ञ और इनके विधियों से संबंधित है, और आपका अथर्वेद है तो अंधविश्वास, जादू, टोना टोटके, इनसे रिलेटेड है। तो ये आप चार वेदों के बारे में जानते हैं, ठीक है। वेदांग हुए, छह वेदांग हुए, फिर उपनिषद 108 उपनिषदों की संख्या हुई, दर्शन, छह प्रकार के दर्शन हमारे भारतीय प्राचीन उसमें पद्धति में प्रचलित है, जो कि न्याय, योग, मीमांसा, वेदांत, वैशेषिकी और सांख्य के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग
प्रणेता है, भगवद गीता, उपनयन, बौद्ध का, तो ये सारे क्या थे, प्राचीन पद्धति में। फिर प्राचीन पद्धति के बाद समय बढ़ता है, बौद्ध काल आता है, कि बौद्ध काल में शिक्षा का व्यवस्था किस तरह था, किस तरह से यहाँ पर विकास होता है, ये हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बौद्ध काल में क्या था मेन, बौद्ध काल में अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय उसी समय में डेवलप्ड हुए, बौद्ध काल में ही इनका विकास होता है। 600 BC से लेकर आपका 200 AD के आसपास समय रहता है। इसमें यूनिवर्सिटीज जैसे नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, उदंतीपुरा विश्वविद्यालय बिहार में, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के आसपास है, इसीलिए बिहार का नाम आज तक मतलब इंडिया में सबसे प्रमुख रूप से जाना जाता है कि बिहार एक शिक्षा का केंद्र रहा है, ज्ञान का केंद्र रहा है। भले ही आज थोड़ा सा बिहार को लोग दूसरे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन शिक्षा और अध्यात्म और ज्ञान के केंद्र हमेशा से बिहार रहा है, ठीक है। सोमापुरी बंगाल में यूनिवर्सिटी हुई, बल्लभी उस समय की हुआ करती थी। इन सारे यूनिवर्सिटीज को हम लोग अभी डिटेल से देखेंगे कि आखिर कैसे कैसे, मतलब ये यूनिवर्सिटीज एक टॉपिक अलग से है, इसलिए इनको हम लोग अलग से देखेंगे कि कैसे कैसे यूनिवर्सिटी आपके कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे पढ़ती हैं, ठीक है। फिर जैन शिक्षा की बात करें, जैन नॉलेज की अगर बात करें तो जैन नॉलेज मेनली पांच उसमें चलता है। मतिजन्ना का ये मतलब होता है कि छू कर, टच और फील करके उस ज्ञान को प्राप्त कर पाना, ठीक है। मतिजन्ना, श्रुतिजन्ना मतलब सुनी हुई बातें से ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। अवधिजन्ना मतलब समय के साथ अपने आप को रख रखाव करना, बचना और अपने आप को चेंज करना, ठीक है, और सीखना। मनः पर्याय जन्ना में ये होता है कि आपको अनुमान लगाते हैं और उसके हिसाब से आगे जिस जो अनुमान लगाते हैं वो सच हो जाना, वो मनः पर्याय जन्ना के अंतर्गत आता है। फिर लास्ट में आता है आपका कैवल्य। कैवल्य मतलब कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और केवल टेम्पोररी नॉलेज, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब हम लोगों ने देखा प्राचीन भारत शिक्षा पद्धति, और फिर बौद्ध और फिर जैन धर्म में, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं तो आगे ये देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज हुई, हम लोग जिसकी चर्चा करते हैं, जो आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि प्राचीन यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालयों की थोड़ा सा चर्चा करेंगे आप लोग, तो वो आगे है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि ज्यादा समय हम लोग व्यतीत नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी की बात करें, तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय पहले नंबर पर है। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, एक पॉइंट आप इसमें नोट करेंगे। और इसमें बौद्ध साहित्य का वर्णन, जातक कथाओं में इसका वर्णन किया गया है, सबसे बड़ी बात। और कहां इसका वर्णन मिलता है, तो वाल्मीकि के जो रामायण है ना, उसमें भी तक्षशिला विश्वविद्यालय का वर्णन मिलता है। ये क्यों खास है, इसमें लगभग सोचिए उस जमाने में 10,000 से ज्यादा बच्चे इसमें पढ़ाई किया करते थे, केवल देश से नहीं विदेश से भी करते थे, ठीक है। ये रही तक्षशिला विश्वविद्यालय, हाँ। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसका लोकेशन है, तो लोकेशन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वर्तमान का ये पाकिस्तान है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ओके। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है आपको सही जोड़ी मिलाने को। तो इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो इसमें उच्च शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा फेमस है ये, मतलब हायर एजुकेशन के लिए प्राचीन शास्त्र इसमें पढ़ाए जाते हैं, ला पढ़ाया जाता है, चिकित्सा पढ़ाया जाता है, शिल्प कला इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें इसको क्या बोलते हैं, यूनेस्को ने हेरिटेज साइट में भी इसको 1980 में शामिल कर लिया है। तो इस तरह से तक्षशिला विश्वविद्यालय के लिए इतनी आपके लिए डाटा पर्याप्त होगा, इतना अगर थोड़ा मतलब आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन वहां पर करने में आपको सहायता रहेगी। फेमस इसमें पर्सनालिटीज इससे रिलेटेड है, पाणिनि, कौटिल और चंद्रगुप्त, ठीक है। फिर दूसरा नंबर का विश्वविद्यालय आता है आपका मिथिला वो क्षेत्र है कि बिहार वाला क्षेत्र है, जिसमें आप देखते होंगे तीन नदियों, एक नदी है गंडकी,
एक नदी है महानंदा और दूसरी नदी है गंगा, ये महानंदा ये लोकेशन है ठीक है। ये नदी आपके पूरम में महानंदा और इधर गंडकी और गंगा, ये जो क्षेत्र है ये मिथिला कहलाता है, बिहार के आसपास में ठीक है। तो मिथिला यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे हम लोग, तो मिथिला यूनिवर्सिटी बिहार के है, बिहार झारखंड बिहार नेपाल उसके आसपास में ठीक है ना। फिर उसके बाद हिमालय के नीचे आता है तराई अंचल में। विषय इसमें क्या संबंधित थी, ललित कला साहित्य विज्ञान वेद ये सब थे ठीक है ना। तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र कभी आए तो इसमें मिथिला यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और सबसे ज्यादा ये मिथिला यूनिवर्सिटी अपने न्याय शास्त्र के लिए जाना जाता था। फिर तिलहर, तिलहर तिलहर ये भी पड़ता है आपका नालंदा में, नालंदा नालंदा के आसपास ही पड़ता है ये बौद्धों का एक मठ हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है फेमस उसके बगल में ही है, लेकिन इतना फेमस हो नहीं पाया, प्राचीन है नालंदा सबसे। देखिए जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय ये नालंदा और विक्रमशिला जो है ना उनसे भी ये प्राचीन है, तिलहर नालंदा के बगल में ही, इतना फेमस नहीं हो पाया। चीनी यात्री यहाँ पर भीमसाग ने इसका वर्णन किया है ठीक। फिर नंबर चौथे का आता है शारदा पीठ मंदिर विश्वविद्यालय, शारदा पीठ पीओके, पीओके में ठीक है ना, आज के पीओके में है ये। सबसे बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अशोक के समय पर ये स्थापित किया गया, जम्मू कश्मीर में है ये, अशोक के समय पर ये स्थापित किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है बौद्ध धर्म का उस समय ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, तो कहा जाता है कि इसको तब स्थापित किया जाए कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और बौद्ध धर्म का जितना उत्थान हो रहा है उसको थोड़ा सा दबाने के लिए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इसको शारदा पीठ की स्थापना अशोक ने किया था लगभग 287 BC के आसपास ठीक है ना। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है यहीं पर अभी भी रखी हुई है और अन्य रचनाएं यहाँ पर मिलती है। अब आता है इम्पोर्टेंट सबसे आपका नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका नाम आप लोग काफी सुने हैं, और ये आपके कहाँ है, बिहार में है ठीक है। विषय सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें उच्च अधिगम हायर एजुकेशन हायर लर्निंग मेनली बौद्ध शिक्षा से रिलेटेड ये हुआ करता था। अन्य विषय इसमें फाइन आर्ट्स मेडिसिन पॉलिटी मैथ रीजनिंग आर्ट वार एस्ट्रोनॉमी ये सब इसमें पढ़ाया जाता था ठीक है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। चीन और ग्रीस और तिब्बत यहाँ के स्टूडेंट इसमें आया करते थे उस जमाने में ठीक है। और ऐसा नहीं होता था कि नालंदा विश्वविद्यालय सॉरी इतना फेमस क्यों था, इतना फेमस इसीलिए था क्योंकि वहां जब स्टूडेंट आते थे ना तो एंट्रेंस एग्जाम देके आते थे, ऐसे ही हर कोई का एडमिशन नहीं हो जाता था ठीक है। क्योंकि अब चीन से भी लोग आते थे, तिब्बत से लोग आते थे, तो और इसका फाउंडर तो मान लो ठीक है नहीं है, एंट्रेंस देकर आते थे, एजुकेशन फ्री था, ये इसकी बहुत बड़ी खासियत थी कि नालंदा में एक पैसे नहीं लगते थे आपको पढ़ाई के लिए, जबकि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मुझे लगता है कि एजुकेशन फ्री हर जगह होना चाहिए, तभी आपका एजुकेशन सिस्टम सुधर पाएगा, नहीं तो ये प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेजेस कितना लेते हैं लूटते हैं आप सब लोग को मालूम है। तो एजुकेशन फ्री इंडिया में भी होना चाहिए, हाँ इसके लिए इन गवर्नमेंट को प्लानिंग जरूर करना पड़ेगा कि आखिर एजुकेशन फ्री देंगे तो उसका मिसयूज कैसे नहीं होगा, इस चीज में अगर प्लानिंग हो जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा ठीक है। तो ये रहे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। फिर उसके बाद आता है उदंतीपुरा, उदंतीपुरा यूनिवर्सिटी, उदंतीपुरा यूनिवर्सिटी क्या है, ये भी बिहार में है, बौद्ध मठ विहार हुआ करता था, बौद्ध महाविहार हुआ करता था। यह पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम द्वारा ये स्थापित किया गया था 8वीं शताब्दी में ठीक है। फिर ये उदंतीपुरा जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बाद दूसरा सबसे पुराना है,
विश्व का सबसे पुराना कौन सा है? तक्षशिला है। भारत का सबसे पुराना कौन सा है? नालंदा। इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। उदंतीपुरम, ठीक है, उदंतीपुरम में सब्जेक्ट लगभग वही हुआ करते थे जिस समय, जैसे आजकल कॉलेजेस में होते हैं आपके आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये सब होते हैं, उसी तरह उसमें हुआ करता था। ठीक है, फिर उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो विक्रमशिला ये भी धर्मपाल, पाल वंश के ही संस्थापक थे, उनके द्वारा ये खोला गया था। ठीक है, फिर उसके बाद तिब्बत, ये किस लिए जाना जाता है कि तिब्बत के एक संत हुआ करते थे तारानाथ, तिब्बती साधु थे और तिब्बत साहित्य के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय मेनली जाना जाता है। इसमें तर्क तर्क विषय पढ़ाया जाता है, वेद पढ़ाए जाते थे, एस्ट्रोनॉमी, शहरी विकास, हाँ शहरी विकास पहली बार इसमें ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, दर्शन शास्त्र और व्याकरण का यहाँ पर समावेश रहते हैं। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हुई जो आपके काम की हैं और आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। अब आधुनिक एजुकेशन में आते हैं, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम किस तरह आगे बढ़ा, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम पे हम लोग को रिविजन करना है। ठीक है, तो आधुनिक एजुकेशन सिस्टम देखिए, सबसे पहले अंग्रेज हमारे यहाँ थे, अंग्रेजों ने एक्ट लाना शुरू किया, तो सबसे एजुकेशन से रिलेटेड पहला एक्ट अगर देखें तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट हुआ करता था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम वैज्ञानिक ज्ञान और प्रसार कर रहे हैं, मिशनरी, ईसाई मिशनरी के माध्यम से, खैर उनका ये मेन उद्देश्य तो ईसाई मिशनरीज को बढ़ावा देना ही था। उनका भले ही कहना था कि हम ज्ञान और वैज्ञानिक तर्क को बढ़ावा दे रहे हैं, वैज्ञानिकता को प्रचार दे रहे हैं, तो ये 1813 में हुआ। ठीक है, बाकी उनका काम ईसाई मिशनरीज को प्रमोट करना था। ठीक है, 1854 फिर आता है बुट डिस्पैच नीति, ये थोड़ा काम का था, पहला प्रयास था जो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना काटा कहा जाता था, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना काटा कहा गया, और सही मायने पे अगर देखा जाए तो शिक्षा भारत में आए, उच्च शिक्षा उसमें कहा गया कि अंग्रेजी में होगी और जो और शिक्षाएं होती हैं वो निचली स्तर पर वो मातृभाषा में दिया जाएगा, बाकी हायर एजुकेशन हमेशा अंग्रेजी में। किसने? 1854 बुट डिस्पैच नीत, उसमें शायद लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। ठीक है, हंटर आयोग आता है, फिर ये हंटर आयोग संबंधित है आपके शिक्षा से रिलेटेड है, ये समझिएगा। ठीक है, फिर वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना 1937 के आसपास आते हैं, महात्मा गांधी का इसमें प्रमुख रोल रहता है, प्रमुख रोल तो मेन अध्यक्ष अगर बात किया जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हुआ करते थे। बुनियादी तालीम इस मतलब एक शब्द हुआ करता था, मतलब बेसिक चीजों पे यहाँ पर ध्यान दिया। गांधी जी ने ही कहा था कि आप खुद से खुद अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं और खुद कुछ करें, कढ़ाई बुनाई करें, खुद से चरखा चलाएं, वो चीजें बनाएं, छोटे छोटे आप खुद निर्माण करें, बेसिक चीजों पे यहाँ पर ध्यान बढ़ता योजना 1937 में दिया गया। फिर 1935 इसके पहले भारत शासन अधिनियम आया, इसमें यूजीसी की स्थापना हुई, यूपीएससी की भी स्थापना हुई, एसबीआई की स्थापना हुई, पर अपने काम का भी यूजीसी का है और 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेस है, उनकी शुरुआत वहां से होती है। अब स्वतंत्रता 1947 में मिल जाती है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह से विकास होता है उसकी हम लोग देख लेंगे, कौन कौन सी कमेटी आए, कौन कौन सी समितियां आए, उसकी हम लोग बहुत क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद शिक्षा की अगर बात करें तो 1948 में ही पहली बार यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को ही राधा कृष्णन आयोग कहा जाता था और ये फिर क्या किए कि जो शिक्षा व्यवस्था थी उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया, जो समस्याएं हुआ करती थी, क्योंकि हमारा भारत तुरंत ही मतलब आजाद हुआ था, इतने हम लोग के पास संसाधन साधन नहीं थे, तो बहुत सारी समस्याएं, तो इनमें इसमें काम किया गया। ठीक है, ये बीएचयू के पूर्व कुलपति हुआ करते थे डॉक्टर राधा कृष्ण। फिर 1952 आता है, 1948 के बाद 1952 ईयर आता है, 1952 ईयर में आपका क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग बनता है 1952 में, इसके अध्यक्ष थे, इसमें देखिए इतना याद है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ईयर याद रखना है, जैसे हमने बोला माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया, 1952 में आया, इसके अध्यक्ष जो हुआ करते थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, ये याद रखना है। ठीक है, 3 वर्ष से माध्यमिक शिक्षा किया गया और 4 वर्ष से उच्च शिक्षा को इसमें
किया गया और पहली बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आए जो इसी आयोग से आए थे 1952 के आयोग से। फिर आगे आता है आपका कौन सा 1964, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी कदम यही था और बहुत आप देखते होंगे बहुत फेमस है। यह है आपका कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन की अगर बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, 1964 और 65 में आया था। अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी, यहीं से भारत की शिक्षा पद्धति और भारत की शिक्षा व्यवस्था का रियल में विकास होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अनुशंसाएं थी, इसमें बहुत सारे इनके सुझाव हुआ करते। ठीक है, 17 सदस्य से इसमें, लेकिन और इसमें भी 6 विदेशी थे तब भी, सोचिए। अब मुख्य अनुशंसाएं क्या थी किसकी? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर कोठारी कमीशन की। तो जैसे कुछ नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं, एनसीईआरटी क्या करेगा, स्कूल शिक्षा के जितना सिलेबस है, जितना उसका पाठ्यचर्चा है, करिकुलम है, वो कौन संभालेगा? एनसीईआरटी संभालेगा। दूसरा क्या है, न्यूनतम योग्यता का निर्धारण कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा क्या है, सीएबीई केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के यहाँ पर स्थापना किया गया। तीन हो गया, मैंने बोला था ना न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम योग्यता एडमिशन के समय की, जैसे कॉलेज कॉलेज में लेना है तो क्या न्यूनतम योग्यता होगी, ये सब वहीं से डिसाइड हुआ। टीचर्स के लिए क्या हुआ कि अलग से वेतन दिया जाएगा, ये आ गया। ठीक है, 1968 फिर आ जाता है, तीन चीजें आपको मेन मेन आपको याद रखना है, एनसीईआरटी संभालेगा न्यूनतम वेतन, टीचर्स के लिए अलग वेतन, सीएबीई केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का स्थापना किया गया, किस अनुशंसा पे? कोठारी आयोग के अनुशंसा पे। फिर आगे आता है 1968 ईयर आपका आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है त्रिभाषी सूत्र। त्रिभाषी से आप समझ रहे होंगे तीन भाषाएं होंगी, त्रिभाषी सूत्र पहली बार 1968 में लाया गया, 1968 में, जिसमें ये कहा गया एक हिंदी भाषा आपका होगा, इंग्लिश होगा ही, और एक तीसरी भाषा थर्ड लैंग्वेज के रूप में साउथ इंडियन की कोई एक लैंग्वेज हुआ होगी। ठीक है, जिसमें तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ ये हो सकता है, जैसे हम लोग के स्कूल में तमिल हुआ करता था। ठीक है, फिर उसके बाद 1976 आता है, 1976 के ईयर में क्या है, शिक्षा को यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया, शिक्षा को हम समवर्ती सूची में कर दिया गया। जो आप लोग देखते होंगे कि जो एजुकेशन है वो समवर्ती सूची में है, तो ये 1976 के पहले नहीं हुआ करता था, ये राज्य सूची में होता था। ठीक है, राज्य सूची में हुआ करता था। 1968 में ही फिर पहली शिक्षा नीति अगर देखा जाए तो 1968 में ही आए, ज्यादा इसमें कुछ हुआ नहीं। फिर जाकर 1986 में मेन हुआ, 1968 में प्रथम शिक्षा नीति आई, 10+2+3 के मॉडल पे ये पर शिक्षा नीति थी 1968 वाले। फिर मेन आपका आता है 1986 के शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है, ये कोठारी कमीशन के अनुशंसा पे ही वो थी, क्या थे, इसका प्रभाव था बहुत सारा। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण अगर बिंदु की बात करें तो इसमें ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का, स्थापना करने का मेन वो था, जैसे ग्रामोदय विश्वविद्यालय खोला गया है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, इग्नू वो दूरस्थ शिक्षा ग्रामीण का हुआ, इग्नू हुआ, नवोदय विद्यालय हर जिले में खोले जाएंगे, ये सब नई शिक्षा नीति से आए हैं। नवोदय विद्यालय वो विद्यालय होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, और ये हर राज्य के हर जिले में खुले होते हैं, ये आवासीय विश्वविद्यालय होता है, इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। आप अपने बच्चों को जब पांचवी क्लास में रहते हैं बच्चे, तो पांचवी क्लास में और आठवीं क्लास में और इलेवेंथ क्लास में कभी कभी हो जाता है, तो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके माध्यम से इस स्कूल तक पहुंचा जा सकता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं जिले का ये सबसे अच्छा स्कूल है। ठीक है, इतनी बात है, नवोदय विद्यालय वहीं से खोले गए पहली बार, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है
और क्या इसमें सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, सबके लिए शिक्षा और शिक्षा में को बढ़ावा इसमें दिया गया, ठीक है ना। फिर आधुनिकीकरण शिक्षा किसमें आए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। व्यवसायीकरण शिक्षा का पहली बार व्यवस्था यहीं से किया गया, इसमें कौन सा पद्धति लागू किया गया, 10+2+3 पद्धति ही इसमें चलती आई, ठीक। ये 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम लोग चर्चा किए। फिर उसके बाद आता है कि आखिर आगे अब कहानी बढ़ते बढ़ते 1986 के बाद थोड़ा सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अभी जैसे एनईपी 2020 आया है, ठीक है। तो एनईपी 2020 की अगर हम बात करें तो ये इस जो शिक्षा व्यवस्था से इससे और बेहतर करने के उसमें आया है। तो एनईपी की अगर हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं, क्योंकि 1986 बाद सीधे 2020 में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काम किया गया। इसमें देखिए जैसे 5 स्तंभ एनईपी के हैं, कौन कौन से हैं, एसएस, इक्वलिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। ये इसके 5 स्तंभ है एनईपी 2020 को। उद्देश्य क्या है, बेहतर से बेहतर शिक्षा को बेहतरीकरण करना। कब आया है, 29 जुलाई 2020 को ये आया है। इसके चेयरमैन अगर बात करें एनईपी 2020 के, तो के कस्तूरी रंजन है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है इसमें हाँ, चेंजेस क्या क्या किया गया है एनईपी 2020 में। नया मंत्रालय, जो पहले क्या शिक्षा मंत्रालय होता था, अब सॉरी मानव संसाधन मंत्रालय हुआ करता था, अब हुआ शिक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक है। अब इसमें प्रणाली सबसे इंपॉर्टेंट है, 5+3+3+4, ये क्या है, ये सिस्टम से अब शिक्षा दी जाएगी। ये आपका ईयर है, ठीक है। बाकी अब डिटेल में आप लोग सब जानते हैं पहले से। पहले क्या, कौन सी शिक्षा पद्धति, इसके पहले कौन सी थी, 10+2 पद्धति हुआ करती थी, अब हो गई है 5+3+3+4, ओके। प्रमुख बातें इसकी क्या है कि आपकी जो पांचवी तक की शिक्षा दी जाएगी वो किस भाषा में दिया जाएगा, आपके क्षेत्रीय भाषा में दिया जाएगा। ये है संस्कृत का एडिशन, और संस्कृत को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। त्रिभाषा सूत्र वहीं से लिया गया, त्रिभाषा सूत्र इसमें फिर से लाया गया, हिंदी, इंग्लिश और एक साउथ इंडियन भाषा ला सकते हैं, एबीसी, ये नया है। क्या है एबीसी, एबीसी का मतलब होता है आपका एकेडमिक बैंक क्रेडिट। इसमें एबीसी एकेडमिक बैंक क्रेडिट वो सिस्टम होता है, इसमें आप जैसे आप कहीं भी एडमिशन लेंगे तो एक एबीसी आईडी आपको बनाना पड़ेगा, और आप जहां एडमिशन लेंगे, मान लीजिए आपने 1 साल पढ़ाई किया, तो उसका ये नहीं होगा कि आप टाइम, मान लीजिए आप किसी कारणवश आपको छोड़ना पड़ता है, तो उसका आपको कुछ मिलेगा नहीं सर्टिफिकेशन, तो उसका सर्टिफिकेशन मिलेगा 2 साल की है तो वो। जैसे मान लीजिए 3 साल का कोई कोर्स है, तो 1 साल अगर करेंगे आप तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल अगर आपने करने के बाद छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये आपका, आपके नंबर वहां पे जुड़ते जाते हैं कि आपने इतनी इतनी यहाँ पढ़ाई की, और दूसरे अगर किसी कॉलेज में लेंगे तो वहीं उसके बाद से ही आप एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर यहाँ किया, दूसरे में संभव है सेकेंड ईयर कर सकना, ठीक है। तो ये एबीसी हुआ, नई एजुकेशन पॉलिसी की नई नई कुछ बातें हुई, ठीक है। मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल चिंतन का, खोज का, और नए नए इनोवेटिव थॉट्स लाने का इस प्रयास में ये किया गया, ठीक है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इतना इतना मेन बात है, ठीक है, ठीक है। एनटीए एग्जाम लेगा, जैसे बड़े कॉलेजेस में एनटीए एग्जाम, मतलब एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, जैसे सीयूईटी हो गया, नेट हो गया, ये सब एनटीए द्वारा लिया गया। थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षा में क्या अंतर है। तो पारंपरिक और गैर पारंपरिक काफी आसान है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। ज्यादा अच्छा कौन सा होता होगा, आपको क्या लगता है, पारंपरिक की गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक ही अच्छा रहेगा। तो गैर पारंपरिक और पारंपरिक में अंतर यह है कि पारंपरिक जो शिक्षा होती थी वो निष्क्रिय शिक्षा कहलाती थी, और गैर पारंपरिक सक्रिय शिक्षा कहलाती थी। निष्क्रिय शिक्षा मतलब इसमें शिक्षक टीचर ओरिएंटेड था, इसमें शिक्षक बोला करता था और छात्र चुपचाप सुना करते थे। गैर पारंपरिक में क्या है कि दोनों मिलके करते हैं, दोनों बोलते हैं, सवाल जवाब होता है।
इसमें व्यक्तिगत भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है और आपका मौखिक और दृश्य भी होता है। जबकि गैर प्रारंभिक में देखें तो मेनली टीम के साथ होता है, इसमें मौखिक दृश्य व्यक्तिगत ये हो ही सकता है और एक व्यवहारिक स्तर पे भी होता है। ठीक है, शिक्षक द्वारा यहाँ पर नियंत्रण होता है किसमें, पारंपरिक में, गैर पारंपरिक में बच्चा स्वयं नियंत्रित रहता है, सेल्फ डिसिप्लिन रहता है या सेल्फ रेगुलेटेड रहता है। अगला टॉपिक है रेगुलेटरी बॉडी, मतलब भारत में कौन कौन से ऐसे रेगुलेटरी बॉडी हैं जो जिसके द्वारा हायर एजुकेशन कंट्रोल होता है। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो हायर एजुकेशन केंद्र सरकार, देखिए हमारे इसमें एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन हम लोगों ने अभी एक मिनट पहले देखा कि एक वो समवर्ती सूची में विषय है। तो सबसे पहले केंद्र सरकार, केंद्र सरकार में क्या है, मानव संसाधन मंत्रालय है, अब शिक्षा मंत्रालय है। वो 1985 के पहले, हाँ 1985 के पहले कौन सा मंत्रालय जाना जाता था, ये मानव संसाधन, तो मानव संसाधन शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय पहले कहलाता था। ठीक है, फिर उसके बाद केंद्र सरकार पहला हुआ है रेगुलेटरी बॉडी हमारे देश में सबसे बड़ा। उसके बाद आता है राज्य सरकार, राज्य सरकार क्या करता है, राज्यों के शिक्षा नीति को बनाता है, राज्यों के पद्धति को चला सकता है, राज्यों में सलाह दे सकता है। केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड सीएबी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर भारत में अगर देखा जाए तो टॉप के कुछ निकाय हैं, कुछ बॉडीज हैं जिनके द्वारा शिक्षा व्यवस्था का यहाँ पर रेगुलेशन होता है। जैसे सबसे पहले AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, क्या AICTE। ठीक है, AICTE इसकी स्थापना अगर बात किया जाए 1945 न्यू दिल्ली इसके हेडक्वार्टर है, ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये सलाहकारी एक संस्था है। दूसरा नंबर है वास्तुकला परिषद, मतलब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तीसरा नंबर की अगर बात करें कौन है, और ICHR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इसकी स्थापना कहाँ कब हुई है, स्थापना इंपोर्टेंट, स्थापना का ईयर तो मुझे याद नहीं दिख रहा है। ठीक है, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसका ICHR हिस्टोरिकल वाले का हेडक्वार्टर नई दिल्ली का है, आप ईयर देख लीजिएगा, मेरे पास जो नोट्स है उसमें भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी है जिस पुणे में है, बेंगलुरु में है और आपके गुवाहाटी में है। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ नोट्स है, क्यों, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना है तो मैं ट्रैक से भटक ना जाऊं, इसलिए मैं लिख के सामने रखता हूं, इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ रहा है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुणे, बेंगलोर और आपका गुवाहाटी। ठीक है, फिर अगले नंबर का है UGC, कौन रेगुलेट करता है हायर एजुकेशन, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि 1953 में पहली बार लाने की कोशिश किया गया था, किसकी नींव रखी गई, किसके द्वारा, मौलाना अबुल कलाम द्वारा। फिर उसके बाद 1956 में जाकर इसका स्थापना होता है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आपका एग्जाम अभी कराएगा। ठीक है, BCS विधेयक द्वारा संसद में लाया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 6 क्षेत्रीय कार्यालय इसके भी UGC के इंपोर्टेंट है, पुणे, भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, UGC के बारे में हुआ। अब भारत में थोड़ा सा आते हैं, इंटर करते हैं, भारत में कितने प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं, बहुत शॉर्ट में हम लोग चर्चा करेंगे भारत में विश्वविद्यालय कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लास्ट में आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी। चार प्रकार की यूनिवर्सिटीज होते हैं, इनकी अगर संख्या अगर भारत में बात करें 49, ठीक है, और 399 और आपका 330 और लगभग 126, ये इनकी संख्या है, कई बार एग्जाम में आता है इसके आसपास। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या 49 है, केंद्र सरकार द्वारा ये वित्त पोषित होते हैं, उनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है,
स्टेट यूनिवर्सिटी 399 के आसपास है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट व्यक्ति द्वारा या फिर प्राइवेट संस्था द्वारा रेगुलेट किया जाता है, वित्त पोषित किया जाता है, वो 300। डीम्ड यूनिवर्सिटी ये भी सेंट्रल द्वारा किया जाता है, कुछ स्पेशल यूनिवर्सिटीज होती हैं वो 126 है। ठीक है, फिर आगे हम लोग आते हैं, जैसे कुछ फैक्ट है आपका, सर्वाधिक यूनिवर्सिटीज कहाँ है, 76 यूनिवर्सिटीज आपका है राजस्थान में, सर्वाधिक यूनिवर्सिटीज अगर बात करें। सर्वाधिक डीम्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है, 28 तमिलनाडु में, 28 तमिलनाडु में। ओके, फिर केंद्र शासित में कहाँ कहाँ है, दिल्ली और पुडुचेरी में आपके यूनिवर्सिटी है और कहीं नहीं है। ठीक है, गोवा में नहीं है बिल्कुल भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। राज्य विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, राज्य विश्वविद्यालय में कौन होता है, राज्यपाल होता है, राज्यपाल क्या होता है, कुलाधिपति होता है, चांसलर होता है राज्य यूनिवर्सिटीज का। ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय जैसे कुछ लिस्ट देख लीजिएगा, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कुछ विश्वविद्यालय ठीक है, मोदी जी की अगर बात करें, विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ठीक है, यूपी और गुजरात में सर्वाधिक क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये नोट डाउन करिएगा। भारत में अगर आईआईटी की बात करें तो भारत में आईआईटी कितने हैं, 23, इनकी संख्या आप याद रखिए, आईआईएम 20 है मैनेजमेंट वाले, एनआईटी 31 है, आईआईएसईआर 7 है और ट्रिपल आईटी 5 है। भाषाई विश्वविद्यालय की अगर भारत में बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में है संस्कृत के लिए, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है, तिरुपति में है। तीसरे नंबर का महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है, हिंदी के लिए वर्धा नागपुर में है। चौथा है मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में, चार है ये भाषाई आधार पर। तकनीकी शिक्षा भारत में अगर बात करें तो तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है, इंजीनियरिंग आपका आता है, ठीक है, प्रबंधन आता है, फार्मेसी आता है, अप्लाइड साइंस आता है, एजुकेशन आता है, होटल मैनेजमेंट आते हैं, इस फॉरेस्ट एजुकेशन आता है, तो इस तरह के है। फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है आपका, रुड़की पे खोला गया। ठीक है, AICT के बारे में थोड़ा जानिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना कब किया गया, 1945 और 1989 में ये संवैधानिक हो गया। ठीक है, अब आता है आपका, जब ये आपके कॉलेजेस हो गए उनको क्या मूल्यांकन करना है, कैसे जानना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी कौन सा कॉलेज अच्छा है। आप लोग देखते होंगे रैंकिंग आती रहती है बीच में, तो एक्रेडिटेशन सिस्टम होता है। ठीक है, एक्रेडिटेशन में क्या है कि हायर एजुकेशन द्वारा किया जाता है और हायर एजुकेशन सिस्टम का यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है, प्रत्यायन कहते हैं एक्रेडिटेशन। जो आप लिखते होंगे A++, B+ इस तरह द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सिलेबस का मूल्यांकन, रिसर्च इनपुट्स और बहुत सारा प्रशासन का नेतृत्व और उनकी मैनेजमेंट का सिस्टम जानने के लिए एक्रेडिटेशन सिस्टम किया जाता है, NIRF द्वारा किया जाता है ये NIRF। ठीक है, उसके बाद फिर आता है NAAC NAC, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, NAC द्वारा आपका एक्रेडिटेशन सिस्टम होता है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन बोर्ड। ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है ये, इसका हेडक्वार्टर जो है आपका बेंगलोर है, बेंगलोर है। ठीक है, NBA एक्रेडिटेशन करता है, ये दो संस्थाएं हैं जो एक्रेडिटेशन या फिर मूल्यांकन करते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, ये तकनीकी शिक्षा के लिए मेनली इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में जैसे होलकर को A++ मिला हुआ है, होलकर विश्वविद्यालय को, वही DAV भी जो कि उससे बड़ा और पुराना है उसको A+ मिला हुआ है। तो इसका मतलब यही दर्शाता है, जिस कॉलेज को जितना अच्छा ग्रेड मिला है वो उतना अच्छा वहाँ का मैनेजमेंट है, वहाँ का आपका प्रबंधन अच्छा है और वहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सब बहुत अच्छा है। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर
सॉरी नेशनल एग्रीडिटेशन बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड, नेशनल एग्रीकल्चर एक्रीडिटेशन बोर्ड, इसके द्वारा भी क्या किया जाता है, एक्रीडिटेशन सिस्टम में ये भाग लेता है नैबेट एनएबीटी द्वारा। ठीक है, फिर आते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, लास्ट की ओर हम लोग जा रहे हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का मतलब यही है कि क्या उद्देश्य है, दूरस्थ शिक्षा परिषद 1991 द्वारा ये चालू किया गया, ओपन शिक्षा देना और फ्लेक्सिबल शिक्षा देना, आसानी से ज्यादा कॉलेज आपको नहीं जाना पड़ा, जो नौकरी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे आपका है इग्नू है, भोज है, ठीक है, ये सब यूनिवर्सिटीज हैं। इग्नू 1985 एक्ट से बना है पहली बार, स्वयं ये भी ओपन यूनिवर्सिटीज, ओपन शिक्षा का ही एक विकसित भाग है। ठीक है, राष्ट्रमंडल शिक्षा की अगर बात करें तो राष्ट्रमंडल शिक्षा 1988 शुरू हुआ, हेडक्वार्टर इसका कनाडा में है, इतना इम्पोर्टेंट है, भारत में बीकानेर पर है। ठीक है, और स्वयं, स्वयं क्या है, ज्ञान समवाय और एनपीटीएल, ये सब राष्ट्रमंडल शिक्षण के अंतर्गत आते हैं और ओपन है सब ये सब। ठीक है ना, ओपन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। आपका अंतिम टॉपिक आता है नैतिक शिक्षा या फिर वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन क्या है, तो वैल्यू एजुकेशन का यही मतलब है कि आपके विचार, आपके भाव, आपके जो सीख रहे हैं वो सही है कि नहीं, उनका वैलिडेशन कर पाना, अच्छे हैं बुरे हैं, इन सब चीजों को जान पाना क्या कहलाता है, नैतिक शिक्षा कहलाता है। जैसे इसको, इसका और वर्णन सबसे पहले किया गया 1964 के कोठारी आयोग में, सबसे पहले वर्णन किया गया था 1986 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में था ही, और 2020 में सबसे ज्यादा इसको बढ़ावा दिया गया है। क्यों जरूरी है ये, तो जरूरी इसलिए है कि जो परंपराएं हैं हमारे और आपके पुराने प्राचीन परंपरा है, आधुनिक परंपरा है, तो उनपे सामंजस्य बैठा पाने के लिए आपका नैतिक शिक्षा जरूरी है। ये नहीं है कि नहीं पुरानी चीजों को नहीं मानेंगे या फिर नई चीजों को इतना हम लोग हावी होने देंगे कि पुरानी चीजें भूल जाए, तो उसमें सामंजस्य बैठाने के लिए आपका नैतिक शिक्षा जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है, आप इसका विकास करिए, आप इसका वैश्वीकरण करिए, शिक्षा का यहाँ पढ़िए और इसको आगे तक बढ़ाइए, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम जहाँ पढ़े उतना ही तक रह जाए। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है, और साइंस से इसको जोड़ने के लिए, साइंस के प्रोग्रेस में इसका जरूरी है नैतिक शिक्षा का होना। जन संचार में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है नैतिक शिक्षा, अगर आप जान पाएंगे कि हम क्या पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये पढ़ेंगे तो इससे ये नुकसान होगा, इससे ये फायदा होगा, ये इससे दो लोगों के लिए भला होगा, तो ये जन संचार में इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, आप अपने आप को पा पाएंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इतना है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ दृष्टि से। लास्ट एक टॉपिक है, एक कमेंट ये है कि ई गवर्नेंस, क्वेश्चन आया था आपका ई गवर्नेंस के भाग कौन कौन से हैं, चार भाग है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बस इतना ही आपका है हायर एजुकेशन में। हम लोगों ने बहुत जल्दी इसको कोशिश किया है कि जल्दी से हम लोग देख ले और आपके एग्जाम में जाके बैठ जाए, इसे 2 से 3 नंबर आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो ये रहा हमारा वीडियो, अब आप लोगों की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि रीजनिंग, मैथ और आपका DI आप खुद सॉल्व करके जाएं और आपका पेपर बढ़िया से दें और अपना पेपर 2 अच्छे से करके जाएं। हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे कल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या थोड़ा सावधानियां रखनी पड़ेगी आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्या क्या कैसे पेपर को हैंडल करना है, कैसे उसको देखना है, तभी आपका मतलब उससे 2 से 4 क्वेश्चन आपके सही हो पाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप बढ़िया से पढ़ते रहें।